बड़ी खबर है, देश के निवेशकों को लुभाने के लिए योगी सरकार की तैयारी। देश के 7 शहरों में रोड शो निकालेगी योगी सरकार। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में रोड शो की तैयारी है सरकार की। अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी रोड शो की तैयारी सरकार कर रही है। विदेशों से अब तक 7 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। देखिए, देश भर के निवेशकों को लुभाने की तैयारी सरकार की, आपको समझाते हैं। देश के निवेशकों को लुभाने के लिए योगी सरकार आगे बढ़ रही है। देश के 7 शहरों में रोड शो निकालेगी योगी सरकार, ये जानकारी है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में रोड शो की तैयारी में सरकार दिखाई दे रही है। इसके अलावा अहमदाबाद में भी और हैदराबाद, साथ में बेंगलुरु में भी रोड शो की तैयारी है। विदेशों से अब तक 7 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ चुका है। 16 देशों का यूपी के 21 शहरों में निवेश का प्रस्ताव है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर योगी सरकार की पूरी तैयारी समझ में आती है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहली दफा यूपी के विकास और नीतियों की विदेशों में चर्चा हो रही है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देखकर विदेशी निवेशक लगातार आकर्षित हो रहे हैं और यही मकसद भी सरकार का है। इसीलिए देश के अलग अलग शहरों में ये कहा जा रहा है, वो शहर कोलकाता और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी रोड शो की तैयारी सरकार कर रही है निवेश को बढ़ाने के लिए। इसी बड़ी और अहम खबर के साथ अब सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, इस पर भी लगातार हमारी नजर होगी। देश के निवेशकों को लुभाने की ये पूरी तैयारी योगी सरकार की है। लखनऊ से खबर है, यूपी दौरे पर आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनवरी के पहले हफ्ते में बीएल संतोष के साथ उनके आगमन की खबर है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो प्रवास यूपी में करेंगे। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर भी वो मंथन करेंगे। बैठकों का दौर चलेगा। निकाय चुनाव और नई टीम के गठन पर भी चर्चा करेंगे जेपी नड्डा। निगम आयोग और बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा संभव है। जनवरी के पहले हफ्ते में बताया जा रहा है कि बीएल संतोष के साथ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे यूपी और यहां पर अलग अलग मसलों को लेकर वो चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी में उनका प्रवास रहेगा, दौरा उनका अहम होगा। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर भी वो मीटिंग्स लेंगे। तो यूपी के दौरे पर आने वाले हैं जेपी नड्डा। संगठन महामंत्री बीएल संतोष उनके साथ रहेंगे। निकाय चुनाव और नई टीम के गठन को लेकर भी वो चर्चा करेंगे। उनके दौरे को लेकर कुछ जानकारी है वो आपको दे दे। भाजपा का 2024 जीत का पूरा प्लान क्या है ये समझना होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी का दौरा करने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। यूपी के दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। जनवरी के पहले हफ्ते में ये कहा जा रहा है कि उनका आगमन होने वाला है, उनका दौरा होगा यूपी का। भाजपा के महासचिव बीएल संतोष के साथ उनका ये दौरा होना है उत्तर प्रदेश का। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसी को लेकर बैठक भी करेंगे। यूपी में प्रवास करेंगे जेपी नड्डा। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर भी ये उनका दौरा बहुत अहम होगा। मंथन करेंगे, निकाय चुनाव और नई टीम के गठन को लेकर भी उनकी चर्चा होने वाली है यूपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ में। निकाय चुनाव बहुत अहम है, नई टीम के गठन को लेकर भी उनका ये दौरा अहम हो जाता है और लोकसभा चुनाव 2024 मुख्य एजेंडा रहेगा। तो जनवरी के पहले हफ्ते में दौरा होगा जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश का और यहां पर वो प्रवास भी करेंगे, बैठकों का दौर भी चलेगा, मंथन करेंगे, चर्चा अलग अलग मसलों को लेकर होगी। प्रयागराज से बड़ी खबर है, विजय मिश्रा के मकान की कुर्की की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी है, डीएम भदोही ने कुर्की की कार्रवाई को 3 दिन के लिए टाला है। मकान में रह रहे किराएदारों की अपील पर यह स्थगित किया गया है। कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रयागराज पहुंची टीम वापस लौट चुकी है। ये बड़ी खबर, प्रयागराज के अल्लापुर स्थित 8 करोड़ 30 लाख के मकान की कुर्की होनी थी जिसको स्थगित कर दिया गया। विजय मिश्रा के खिलाफ भदोही जिले में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में कुर्की की तैयारी हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि आज कुर्की होगी, लेकिन अब ये बड़ी खबर है, कुर्की की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। माफिया विजय मिश्रा इन दिनों आगरा जेल में बंद। और इसी बीच ये बड़ी खबर, विजय मिश्रा के मकान की कुर्की की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। डीएम भदोही ने कुर्की की कार्रवाई को फिलहाल 3 दिन के लिए टाल दिया है और ये कहा जा रहा है कि मकान में रह रहे किराएदारों की अपील पर ही टाला गया है।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना राम से की है। यूपी में खड़ाव पहुंच चुकी है, उन्होंने कहा कि राम जी भी पहुंचेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा है भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। एक नौजवान यात्रा करके तपस्या कर रहा है, सलमान खुर्शीद ने कहा। राहुल योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद ने यह बड़ी बात कही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर है सलमान खुर्शीद, राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। यूपी में खड़ाऊ पहुंच चुकी है, राम जी भी पहुंचेंगे, ये खुर्शीद ने बात कही। भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, ये भी उन्होंने कहा। के नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुँच गई है तो राम जी भी पहुँचेंगे, ये हमारा विश्वास है। देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये आप जानते हैं, जो कि जल्द ही यूपी में एंट्री लेने वाली है। खुर्शीद के लिए राहुल भगवान राम, जो बातें उन्होंने कही है उससे यही साबित होता है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, उन्होंने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेसियों की तुलना भरत से की है, और साथ ही सलमान खुर्शीद बोले खड़ाऊ उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है, पहुंच गई है, और अब खड़ाऊ आ गई है तो राम जी भी आएंगे, ये भी बात उन्होंने कही है। सलमान खुर्शीद ने आगे कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कभी कभी राम जी नहीं पहुंच पाते तो भरत जाते हैं, ये भी बात उनकी तरफ से कही गई। और खड़ाऊ लेकर यूपी आ गए हैं, जल्द ही भगवान राम भी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और कांग्रेस को उन्होंने भरत कहा के राहुल गांधी को वो भगवान राम बता रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना की है राम से। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।